यूपी और दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र से भी आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले ही मुंबई के साकी नाका में एक लड़की से हैवानियत की गई, उससे बलात्कार करने के बाद बुरी तरह से पीटा गया था। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी लोहे की रॉड से हमला किया गया था, जिसके बाद लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते शनिवार को उस लड़की की मौत हो गई। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम मोहन चौहान बताया जा रहा है, जो कि यूपी का रहने वाला है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब थाने से सटे उल्लासनगर से एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक 14 वर्षीय लड़की शिरडी से घूमने के बाद अपने दोस्तों के साथ 9 बजे उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वो अपने दोस्तों के साथ स्काई वॉक पर पैदल चलकर अपने घर की ओर जा रही थी। करीब 9 बजे के वक्त हो रहा था कि तभी कुछ आरोपी हाथ में हथौड़ा लेकर आए और लड़की के साथ चल रहे उसके दोस्तों को हथौड़े का डर दिखाकर उसे भगा दिया। उसके बाद लड़की से बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम श्रीकांत गायकवाड़ है। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया इस स्काई वॉक पर खर्च कर दिया गया है, लेकिन स्काई वॉक को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है, जिसके बाद इस पे आए दिन लूटपाट और हत्या जैसे कई अपराध होते आए हैं। आपको बता दें कि उल्लासनगर का स्काई वॉक नशेड़ियों और गंजेड़ियों के लिए अड्डा बन गया है। आए दिन स्काई वॉक पर लूटपाट की जाती है। स्काई वॉक की हालत बता रही है कि जनता की सुविधा के नाम पर जनता के पैसे फूंक दिए गए, लेकिन जिस जनता के लिए ये स्काई वॉक बनाया गया था, वही जनता आज इस पर चलने से भी कतराती है। आए दिन स्काई वॉक पर लूटपाट की जाती है, जिसकी वजह से शाम 6 बजे के बाद स्काई वॉक पर चलना यानी कि अपनी मौत को दावत देना है। मैं आजाद शेख, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आजाद शेख ऑफिशियल।